हाल ही में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले हॉकी प्लेयर सुरेंद्र कुमार कुरुक्षेत्र के सेंट थॉमस स्कूल में पहुंचे। बता दें कि हॉकी प्लेयर सुरेंद्र कुमार की भतीजी इसी स्कूल की छात्रा है। बड़े ही सरल स्वभाव के सुरेंद्र कुमार पायलट ने बच्चों को सवालों के जवाब दिए और उनका हौसला भी बढ़ाया। सुरेंद्र ने बच्चों का सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मन के हारे हार है, इसीलिए जीवन में कभी हार ना माने। उन्होंने बच्चों को ऑटोग्राफ भी दिए और बच्चों को उनकी क्लास में मिलने के लिए वे खुद पहुंचे। सुरेंद्र कुमार ने स्कूल के बच्चों को बैच भी लगाया। स्कूल में पहुंचने पर सेंट थॉमस स्कूल की प्रबंध निदेशिका अंजलि मरवाहा ने सुरेंद्र कुमार पायलट का स्वागत किया। उनके साथ स्कूल की प्राचार्य आरती सूरी, स्कूल की कोऑर्डिनेटर रजनी जैन, स्कूल के निदेशक संदीप मरवाहा, कार्तिक मरवाहा, लायंस क्लब के प्रधान अश्विनी अरोड़ा, दीपक चुब, सुखविंदर बिंद्रा, जेपी केसरी ने सुरेंद्र कुमार का स्कूल में पहुंचने पर अभिनंदन किया। अंजलि मरवाहा ने अपने संबोधन में कहा कि सुरेंद्र कुमार ने देश का नाम रोशन किया है। सुरेंद्र को इस मुकाम पर पहुंचने में वर्षों की मेहनत लगी है, बाकी खिलाड़ियों को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अंजलि मरवाहा ने कहा कि सुरेंद्र स्कूल परिवार का हिस्सा है, उन्हें बहुत खुशी है कि उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। स्कूल की प्राचार्य आरती ने कहा कि ऐसे खिलाड़ियों का सभी को स्वागत करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। ये बड़े ही गर्व की बात है कि ओलंपिक में सुरेंद्र कुमार और उनकी टीम ने कांस्य पदक जीता है और अब आगे की तैयारी में वे जुट गए हैं। कार्यक्रम का मन संचालन स्कूल की प्राध्यापिका साक्षी शर्मा ने किया। स्कूल की छात्रा आरजू ने वर्ड्स ऑफ थैंक्स किया। इस अवसर पर स्कूल स्टाफ हर्षित शर्मा, रूपिंदर कौर और कोमल शर्मा के साथ स्कूल के बच्चे आरजू, तन्वी सैनी, अखिलेश, हरकीरत, गुलशन, रुद्रिका, अर्जुन, लक्षिता। कार्यक्रम के अंत में खिलाड़ी सुरेंद्र कुमार ने स्कूल परिसर में रुद्राक्ष का पौधा लगाया। इस अवसर पर सुरेंद्र कुमार को स्कूल की प्रबंध निदेशिका ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए भी और पूरे देश के लिए भी कि जो 40-41 साल के बाद हॉकी का मेडल आया है, और मैं सभी को थैंक्स करना चाहता हूँ। पूरे भारत ने जो हमारा साथ दिया है, जो दुआएं थी सभी की, और मुझे स्पेशली यहाँ के बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि इतना आदर सम्मान मिल रहा है मेरे को यहाँ पे, तो बड़ी खुशी की बात है। और मैं यंग जनरेशन के लिए ही बोलना चाहता हूँ, जो ये बच्चे हैं यहाँ पे पढ़ रहे हैं, किसी भी चाहे वो स्पोर्ट्स में आए या पढ़ाई में आए, अपना दिल से मेहनत करें, उतार चढ़ाव सभी चीज़ों में आते हैं, स्पोर्ट्स में भी आते हैं, पढ़ाई में भी आते हैं, तो जो आपका एम है उसको लेके चलें और उस एम को लास्ट में जाके अचीव करें, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, चाहे पढ़ाई की फील्ड में है, स्पोर्ट्स की फील्ड में है, जो एक एम को अचीव करने के लिए सोचें। उतार चढ़ाव सब कुछ चलता है लाइफ में, स्पोर्ट्स में भी चलता है, पढ़ाई में भी चलता है, तो ऐसा ना सोचें कि हम अभी कामयाब नहीं हुए तो आगे भी नहीं होंगे, तो उस चीज़ को आगे जो आपका एम है उसको लेके चलें और लास्ट में वो एम जरूर अचीव करें। आते हैं स्पोर्ट्स में भी आते हैं, तो एक एम लेके चलो कि मेरे को अचीव करना है, उतार चढ़ाव जरूर आएंगे। बुलाया और मैं भी बड़ा एक्साइटेड था यहाँ आने के लिए। मेरे को अब दिल्ली जाना था अपने ऑफिस में, बट मैंने आज का प्रोग्राम कैंसिल किया दिल्ली का कि नहीं, एक बार स्कूल में जाके आना मेरे को, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड था। और सभी का मैं तुम्हारा भी थैंक्स करना चाहता हूँ, जिस भी आप फील्ड में हो दिल से मेहनत करो, जरूर कामयाब होगी। थैंक्स। Myself Navjyoti, I am in 8th standard. सर हमें बहुत अच्छा लगा and we felt very proud of us कि वो एक हमारे स्टेट के हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के हैं, एंड इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर ऑल द कंट्री। इट्स अ वेरी बिग डील टू गेट इन ओलंपिक्स मेडल। जब उन्होंने मेडल लिया तो हमारे अंदर भी एक ऐसे इंस्पिरेशन, मोटिवेशन आई कि हम भी मेडल ले सकते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो आज आपके बीच में आए तो कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लगा और ये बहुत ही प्राउड मोमेंट थी हमारे लिए। एंड सो माय नेम इज रुद्रिका सूरी एंड आई एम स्टडिंग इन 8th क्लास। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि वो हमारे स्कूल में आए, उन्हें देख के हम बहुत खुश हुए और ये भी बड़ा प्राउड फील हो रहा है, मेडल जीता है। सो या वी आर वेरी प्राउड। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए हम।